हेलो फ्रेंड, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पासा एवं प्रीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि पासा क्या होता है। यह घन या घनाभ के आकार की एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें कुल 6 फलक होते हैं। जैसे हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड यह आगे का सामने का फ्रंट 6 वगैरह। पासे की किसी भी तरफ से देखने पर 3 ही सतहें दिखाई देती हैं, जबकि 3 सतहें छुपी हुई होती हैं। पासे की 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ये सब हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। और पासा 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा के विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। चलिए हम इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं कि सामान्य पासा हमारा क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम फिगर में 2 पासा को लिए हैं जिसमें दिया है। चलिए फिर हम आगे देख कर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है सामान्य पासा। यहाँ पर एक पासा दिया है जिस पर लिखा है 1, 3, 4 और दूसरे पासा दिया 5, 2, 3। अब इसको हम निकटवर्ती सतह क्या उसके पास के देखिए, इसके जैसे 1, 3, 4 या निकटवर्ती सतह हैं तो इनके 3 और 4 को जोड़ें तो 7 आ गया, और यहाँ पर जोड़े 5 और 2 को जोड़ें तो 7 आ गया। मतलब इससे क्या सिद्ध होता है, यह एक सामान्य पासा है। जिसे हम लिख कर भी समझा दें कि अस्पष्ट है कि दोनों पासा एक समान पासा है। क्यों है? इनके निकटवर्ती सतहों का योग 7 है। अब हमको निकालना है जैसे कि 1 के विपरीत कौन सा अंक है। 1 के विपरीत सतह पर अंक है। अब हम पीछे पढ़े हैं कि विपरीत सतह पर जो अंक होंगे हमको दिखाई नहीं देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे 1, 3, 4 है तो इनमें से कोई भी उसके विपरीत सतह पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमको सामने से दिखाई दे रहा था। इनमें से 1 के विपरीत या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इनमें से कोई भी हो सकता है। ये ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा हमारा आंसर वैसे ही सही होगा। ऐसे ही दूसरे फिगर में अब 5 के विपरीत देखना है तो मैं कहा 5, 2, 3 इनमें से कोई नहीं आएगा। कौन से बचे? और जो नंबर बचे 1, 4, 5, मतलब इसके विपरीत अंक हमारा 1, 4, 5, 6 किसी में से कोई भी हो सकता है। और दूसरा हमारा पासा है मानक पासा। मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 2 ये 2 हमारा पासा दिए। अब इनके निकटवर्ती सतह को हम किसी को भी जोड़ रहे हैं या प्लस कर रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है। तो मतलब यह क्या है, एक हमारा मानक पासा है। तो हम लिख दिए अस्पष्ट है कि दोनों पासा एक मानक पासा है, क्योंकि इनके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। तो हमको निकालना है 2 के विपरीत सतह, तो हम बोलते हैं इनके विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। 7 - 2 मतलब 2 के विपरीत कितना होगा, 5। ऐसे 3 का होगा, 7 - 3 इक्वल टू 4। अब ऐसे दूसरे पासा में 1 के विपरीत निकाला होगा तो 7 - 1 इंटू मतलब 6 होगा। ऐसे ही अगले पे क्वेश्चन में हम करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब देखिए, चलो हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे हमारा एक फिगर दे दिया है, लिखा है नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंग 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। अब पहले हम देखते हैं कि यह पासा कौन सा है, मानक पासा या समान पासा। हम चलते हैं इसके निकटवर्ती सतहों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जोड़े तो 1 + 4 = 5, 4 + 6 = 9, 5 + 1 = 6। मतलब इसके निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर हमारा 7 नहीं आना। अच्छे से स्पष्ट है कि यह क्या है, हमारा एक सामान्य पासा है। क्या है? सॉरी, मानक पासा। क्यों मानक पासा है? क्योंकि इनके निकटवर्ती जो को जोड़ने पर, सतहों को जोड़ने पर ये 7 नहीं आया। तो हमको 4 के विपरीत निकालना है, 7 - 4 = 3, मतलब क्या होगा, 4 के विपरीत हमारा 3 होगा। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में जाए, नीचे दिए पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब पहले इसे ऐड करके देखते हैं कि ये मानक पासा या सामान्य पासा। तो हम ऐड करते हैं तो 2 + 4 = 7, मतलब यहाँ 7 आ गया ऐड करने पर, तो इससे स्पष्ट है कि यह क्या हमारा सामान्य पासा होगा। तो हमको निकालना है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत इनमें से कोई भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विपरीत सतह कभी भी सामने से नहीं दिखेंगे। तो क्या होगा, 2 के विपरीत में हमारा 1, 4, 6 इनमें से हमारा कोई भी आ सकता है। हमारा ऑप्शन में जैसा दिया, या तो ये सब दिए होंगे या फिर इनमें से कोई एक दिया होगा। जैसा ऑप्शन होगा हम वैसा ही आंसर देंगे।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, बताइए कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब क्या होगा, ये ऊपर है अब इसके विपरीत पूछ रहा है कि कौन सा अंक होगा। अब पहले हम देखते हैं कि पासा कौन सा, मानक है या फिर सामान्य पासा है। अब देखिए हम यहाँ पर ऐड किए हैं तो यहाँ पर C1 हमारा नहीं है, इससे स्पष्ट है ये क्या हमारा मानक पासा है। क्यों मानक पासा है, क्योंकि इनके विपरीत सतहों का योग C1 होता है लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग C1 नहीं होता है। तो अब क्या होगा, हमको निकाला 2 के तो C1 - 2 = 5, मतलब 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा हमारा 5 होगा, या फिर 2 के निचली सतह पर हमारा क्या होगा 5 होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब पासे की स्थिति दो, मतलब जब दो पासा दिया हो तब हम विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए फिर हम इसे देखते हैं, मतलब पासा यक्स दिया है और पासा यक्स, अब देख रहे हैं दोनों पासा में 2-2 कामन मतलब मिला, तो हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख सकते हैं। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे, लिखिए 2-4, यहाँ पर 6 है 6 लिखते हैं, ऐसे इसमें भी लिखें क्लॉकवाइज में 2-5-3, हम इसको क्लॉक में लिखेंगे तो दूसरे वाले को क्लॉक में ही लिखना पड़ेगा, यदि इसको एंटी क्लॉक में लिखे तो इसको भी एंटी क्लॉक में लिखना होगा। तो इसे देखिए यहाँ पर क्या, 6 के विपरीत 3 हो गया, 4 के विपरीत 5 हो गया, जैसे हम लिख दें 4 के विपरीत सतह पर अंक 5, 6 के विपरीत सतह पर अंक 3, और अब क्या हो गया हमारा कोई कहें तो 2 के विपरीत सतह पर हमारा 1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई, जब 3 बिंदु नीचे हो तो ऊपर वाली सतह, इसमें पूछा है जो हमारा 3 है इस यह निचले सतह पर है तो ऊपरी बिंदु पर कौन होगा। चलिए फिर देखते हैं पासा ए, अब वैसे ही इसे क्लॉकवाइज में लिख देते हैं, यहाँ पर 5 कॉमन है या 5 कॉमन है, तो 5-3-2 लिख दिए, ऐसे 5-2-4 लिख दिए, तो ऐसे क्या है 3 के निचली सतह पूछा है, तो चलिए देखते हैं 3 हमारा यहाँ है तो इसके नीचे कितना होगा 2 होगा। फ्रेंड यदि यह वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे पासा से जुड़े और वीडियो आप सबको मिल सके। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि यदि हमारा 3 पासा है तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।